नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है, हथेली का हम विश्लेषण करेंगे और इस हथेली में रेखाएं देखेंगे, इस हथेली में ग्रह नक्षत्र देखेंगे और क्या क्या किस भाव में ग्रह बैठे हैं, क्या फल दे रहे हैं और किस तरह से फलत्व निकाला जाता है, ये सब चीज़ देखेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, विशेषकर वो लोग जो पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं, हस्तरेखा में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने एक चैनल जो है भास्करा पामिस्ट्री दर्पण शुरू किया है। उसमें हम डिटेल में छोटी छोटी वीडियो बना करके एक एक रेखाओं के बारे में, चिन्हों के बारे में, फलत्व तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। और प्रत्येक दिन हमारा ये है कि किसी एक विषय को लेके, रेखा को लेके उसमें वीडियो बना के आपको डालेंगे और सरल तरीके से जो व्यक्ति जानता भी नहीं वो हस्तरेखा, वो भी जो है वीडियो को अगर देखेगा तो निश्चित रूप से जो है वो सीख जाएगा, हाथ में फलत्व निकालना जो है जान जाएगा कि किस तरह से फलादेश निकालते हैं। उसका लिंक, उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपना जो है थोड़ा सा जो है सहायता हमें दे दीजिएगा। अभी तो एक दो वीडियो ही डाली है उसमें मैंने, लेकिन प्रत्येक दिन किसी न किसी विषय पर, जिससे एक प्रारंभिक से लेके अंत तक व्यक्ति जो है सीख जाएगा, इसलिए हमने उस चैनल का निर्माण किया है। और आप लोग जो है उस चैनल को जाएं, विजिट करें, देखें, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लोगों को भी दिखाएं। देखिएगा, ये जो हथेली है इसका यहाँ पे जो आकार है, एक आयताकार आकार की हथेली दिखाई दे रही है। निश्चित तौर है दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है। और करियर के मामले में देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर ऐसे लोगों का होता है और कहीं ना कहीं जो है शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। ऐसा नहीं करनी पड़ती है, लेकिन कम करनी पड़ती है और बोलने से या मस्तिष्क से जो है कार्य ज़्यादा ऐसे लोगों को करियर के मामले में करना पड़ता है। ये चीज़ आपकी हथेली दिखा रही है। दूसरी, अगर हम हथेली को साधारण तरीके से देखते हैं तो दो चीज़ों पे हमारी जो है नज़र आके रुक रही है। सबसे पहले तो ये जो अंगूठा है, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है इन अन्य भागों से जो है ये अलग दिखाई दे रहा है। तो जो हथेली में सबसे पहले दिखाई दे रहा है उस पे भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखोगे ये लकीर जो है बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आपने ज़्यादातर लकीरें जो देखी हैं ऐसी देखी हैं, या जो है ऐसी देखी हैं, या जो है ऐसी देखी हैं, लेकिन ये काफ़ी लोगों की है होती ऐसी, लेकिन इस तरह की दिखाई दे रही है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। जो चीज़ दिख रही है सबसे पहले उसी के बारे में बताया जाता है। हस्तरेखा है तो रेखा के बारे में पहले बताते हैं। देखिएगा, इसको कहते हैं हृदय की लकीर। सुंदर ढंग से समझने की कोशिश करें, ये बुद्ध पर्वत के नीचे से जो है उदय होती है। किसी की भी जो है हृदय रेखा यहीं से उदय होती है और कहीं से जो है ये निकलती नहीं, इसी क्षेत्र से निकलती है। और ये बुद्ध का पर्वत है और यहाँ से निकलकर वो अलग अलग स्थानों को जाती है और जिस स्थान पे जाती है उसके अनुरूप फल देती है। लेकिन यहाँ वो किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है, ये कहाँ पे जा रही है, ये जो इंडेक्स फिंगर है आपकी और जो ये मिडिल फिंगर है उसके बीच में जा रही है। और जब बीच में जा रही है
तो ये जो है आचार्य बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, ठीक है ना। और ये जो है भाग्य स्थान है, और शनि का पर्वत इसको कहते हैं। ये न्याय के जो है ग्रह हैं, देवता हैं, और हमारे कर्म को जो है बड़े सरलता से देखते हैं और उस हिसाब से हमें कर्मों का फल देते हैं। तो हृदय की जो लकीर है इन दोनों ग्रहों के बीच में जारी है, तो सीधी सी बात है जब इन दोनों के बीच में जारी है तो जहाँ आचार्य बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, जो गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, देवताओं के गुरु हैं, और जो आकाश तत्व के अधिष्ठाता हैं, मालिक हैं, और जिस तरह से आकाश अनंत है वैसे ही जो है ये भी अनंत है, इनकी महिमा भी अनंत है, तो इनका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा आपका जो भाग्य स्थान है जहाँ पे धन और करियर की रेखा रुकती है, जो हमारे जीवन की जो है रीढ़ की हड्डी है, बिना करियर का और बिना धन का जीवन बहुत असंभव है, बल्कि है ही नहीं, तो इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब दोनों ग्रहों का प्रभाव किसी के हृदय की लकीर पे पड़ती है ना, तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आपकी हथेली बता रही है ये रेखा। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी आगे बढ़ने की हो रही है, चाहे समाज के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, सुखों के मामले में हो, इस तरह की जो इच्छा है वो आगे बढ़ने की यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का बल आ रहा है, आचार्य बृहस्पति है ना, उनका बल आ रहा है, इस पर उनका प्रभाव ज़्यादा आ रहा है। और उस बल आने के कारण जो आपकी इच्छा है वो एक जो है सर्वश्रेष्ठम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन इसी का बल नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है शनि पर्वत का भी बल आ रहा है, जिसके चलते, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई पूजा पाठ करना पड़े, प्राणायाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो भी हो जाए आप वो करेगा, ठीक है। ये हृदय की रेखा बता रही है। अब दूसरी चीज़ जो अलग सी दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है आपका बताता हूँ। अंगूठे के नीचे का ये भाग, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट कहते हैं, और ये शुक्राचार्य जी हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं ये। गुरु कोई भी हो, गुरु ही होता है, वो सम्मानजनक होता है, चाहे देवताओं का गुरु हो, चाहे जो है मनुष्यों का गुरु हो, चाहे दैत्यों का गुरु हो, ठीक है ना। गुरु का मतलब है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना, तो गुरु की महिमा अलग ही है। और हमारी हथेली में दो ही गुरु बैठते हैं, दो ही आचार्य बैठते हैं, एक देव गुरु बृहस्पति, एक दैत्य गुरु शुक्र, और दोनों को अच्छा होना चाहिए तभी जीवन में जो है सही प्रभाव पड़ता है। ये दैत्य गुरु भले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, ये दैत्य गुरु हैं, हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है गुरु है ये, और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो, इस पर्वत के लिए जाना जाता है कला, सौंदर्य और सुंदरता के लिए, और एक सुखद जीवन के लिए इस पर्वत का हथेली में अनुकूल होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे लग्जरियस जीवन का सुख हो, इसके लिए इसका अनुकूल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, ये तो है कि आप तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी, और जो अपेरियंस वाला पार्ट है, जो सुंदरता है, आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान होगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान में ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा फूल गया है, और जब ये ज़्यादा फूलता है ना, तो अपनी विकार उत्पन्न करते हैं, और ये करीबन करीबन देखो इसकी जो दशा चलती है, चाल चलती है, तो 18 महीने तक ये इसी दशा में बैठता है। अगर इसके सही से उपाय कर लिए, अपनी जीवनचर्या को थोड़ा सा जो है
परिवर्तन कर लिया उसमें, तो ये जो है अपनी स्थिति में आ जाता है। वर्तमान ये फूला हुआ है, ज़्यादा है, अति ठीक नहीं माना जाता है। तो ऐसे में ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझन की स्थिति है, थोड़ी सी मानसिक परेशानी ये दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उस दिशा में मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद भी जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, माने मानसिक परेशानी देता ही देता है, चिंता देता ही देता है, और सुख में कमी करता है। जैसे हमने सोचा यार बेटे की शादी हो जाए जल्दी से, कुछ मंगल कार्य हो जाए, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जा रहे हैं पर कहीं संयोग नहीं बन रहा, तो ये शुक्र के कारण होता है। बेटी की शादी है, बेटे का शादी है, या कोई परिवार में कुछ ऐसा घटित होता रहता है जिससे पारिवारिक चिंता व्यक्ति को लगी रहती है, उसका द्योतक यही है। अगर आपको परिवार की तरफ से चिंता नहीं चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है आपको शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो है एक योग क्रिया, एक ध्यान क्रिया होती है, अगर वो व्यक्ति कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो साधारण सी जो है छोटी सी पूजा होती है शुक्र की, अगर व्यक्ति प्रत्येक दिन जो है कुछ समय तक करता है, जैसे ढैया में ये बैठता है उस हिसाब से करता है, तो कुछ समय बाद ही बेहतर परिणाम देखने को मिल जाते हैं और व्यक्ति को तमाम तरह के सुख जो है भोगने को मिल जाते हैं, कमी नहीं रखता है शुक्र। तो शुक्र इस रूप में बैठा हुआ है। अब वर्तमान में जो है तीसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है, इसके साथ दूसरी चीज़ भी जो है कुछ कॉम्बिनेशन बिठा रही है। कैसे देखिएगा, ये हमारी रिंग फिंगर है और इसका जो जड़ वाला भाग है आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा बैठा है, ये उठा है और ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है। और ये सूर्य है, सूर्य का बहुत ज़्यादा बैठना जो है ठीक नहीं माना जाता है। इसको भव्य अवस्था में हो या इन पर्वतों की तरह हो, थोड़ा कम भी हो, बहुत ज़्यादा उठा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा बैठा ना हो, थोड़ा कम भी हो लेकिन भव्य अवस्था में हो, ये जब बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो पेट संबंधी समस्याएँ दे सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती हैं, आँखों में जो है थोड़ा दृष्टि में कमजोरता आती है, रीढ़ की हड्डी का मालिक भी यही है, तो कहीं ना कहीं हड्डियों में जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, पेट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, विटामिन डी भी इसी से मिलता है तो उसकी कमी आनी नज़र हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य से संबंधित विकार हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, इसकी संभावना को ये दिखाता है। तो अगर जैसे शुक्र है, शुक्र शरीर में कमजोरी देता है, शुक्र जो है वीर्य संबंधी परेशानी और गुप्त संबंधी परेशानियां देता है अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करे, सूर्य जो है जो परेशानियां मैंने बताई वो देता है। तो कहीं ना कहीं जो है ग्रह जब अनबैलेंस होते हैं तो सूर्य अगर अनबैलेंस हो जाए, शुक्र हो जाए तो उसका मैंने बता दिया, सूर्य हो जाए तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले किसी भी चीज़ में, तो उसको उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिलता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। जो उसके अंदर योग्यता होती है, जो उसके अंदर जो है क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती है, ठीक है ना। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, अगर करियर की बात करें तो उसमें वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो वास्तव में उसको मिलना चाहिए था, उसका मेहनत का और उसका परिश्रम का। कई बार व्यक्ति को जो है चाहे परिवार का मामला हो, चाहे बाहर का मामला हो, वो रास्ता नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए, ये सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नेम चाहिए, आपको फेम चाहिए, आर्थिक स्थिति अच्छी चाहिए, अपना व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर चाहिए, अपने काम में नाम चाहिए, धन की स्थिति अच्छी चाहिए, अपने काम में फैलाव चाहिए, चाहे नौकरी हो तो ग्रोथ होती रहे, और जो है अगर जो है आप
व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें फैलाव होता जाए, नाम हो कि भाई फलाने आदमी की दुकान है, फलाने की फैक्ट्री है या कंपनी है। तो इसके लिए सूर्य को मजबूत करना है, और सूर्य को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक उपाय और ज्योतिषीय उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका उपाय बड़ा सरल होता है, बड़ा सुंदर होता है। अगर व्यक्ति जो है अनजाने में भी इसका उपाय कर लेता है तो निश्चित रूप से सूर्य अपनी स्थिति में आ जाता है और बहुत बेहतर परिणाम देता है। थोड़ा मोड़ा संघर्ष, थोड़ा मोड़ी चिंता, थोड़ा मोड़ा आर्थिक ऊपर नीचे सबके जीवन में लगा रहता है, चाहे वो कितना बड़ा हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्रह नक्षत्र जो है अनबैलेंस होने बैठ जाए तो जीवन थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो आपको क्या चाहिए कि एक तो थोड़ा रूटीन बदलने की ज़रूरत आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। अब मैं आपकी हथेली का थोड़ा विश्लेषण कर लेता हूँ यहाँ पे कि किस तरह की हथेली है, क्या कह रही है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। निश्चित रूप से आप अगर एक तरीके से अनुशासनात्मक ढंग से उन उपायों को करते हैं, बड़े सरल हैं, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, ये निश्चित है। और जिस तरह से सूर्य है, जिस तरह से आपका शुक्र है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ जो है हट जाएगी। एक नज़र हमारी जो है आपकी एक रेखा और है, बहुत जो है एक कहें कि बहुत ज़रूरी रेखा, इसे कहते हैं। ये रेखा धन और करियर की यहाँ से निकल रही है, लेकिन पहले तो ये स्पष्ट रही होगी, धीरे धीरे जो है ये कहीं ना कहीं घिस रही है, माने कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। और ये रेखा जितनी कमज़ोर होती है ना, धन और करियर के मामले में ये संघर्ष रखती है, दुविधा रखती है, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति को मिलना चाहिए उसमें ये कमी लाती है, उसके परिणामों में ये कमी करती है। इसको सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी है, और इसको सुदृढ़ करने के लिए धन और करियर की जो मालकिन है महालक्ष्मी, उनकी जो है शास्त्रीय विधि से, जिससे ये रेखा जो है मजबूत हो, और इसका संपुट लगाना है योग क्रिया और ध्यान क्रिया द्वारा। देखिए, योग क्रिया ध्यान क्रिया 1 मिनट की होती है, 2 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है आप कितना करते हैं, और ये बड़ी आनंददायक होती है, आपको बैठ के करना है बस। ध्यान क्रिया, योग क्रिया, जिससे ये देखो ये यहाँ कहाँ से जा रही है, ये वायु तत्व है, इसको साधना है, ये वायु तत्व है और ये वायु तत्व है, ये वायु तत्व की सीध में जा रही है, ठीक है ना। हमारी हथेली में ये जो पोर्शन है ये वायु तत्व का पोर्शन है, तो हमें क्या करना है, ध्यान और योग क्रिया द्वारा उस वायु तत्व को, जो वायु इधर उधर घूमती रहती है, उसको एक सीध में ले जाना है कि अपने रास्ते पे चलती जाए। और वो वायु तत्व जो है अपनी सीध में अगर आ जाती है, और साथ में जो है ज्योतिषीय और हम कहें कि वैज्ञानिक उपाय व्यक्ति कर लेता है, तो ये रेखा निश्चित ही अपने आप सुदृढ़ होगी, और जीवन में धन और करियर के मामले में निश्चित तौर पे बेहतरीन परिणाम देंगे। और बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं कि ये जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, नहीं, बहुत सरलतम ढंग से आपको करना पड़ेगा। और आपको जो अधिक मेजर रेखा है, ये पूरी होने में 3.5 साल लगाएगी, इससे पहले नहीं होती है, लेकिन परिणाम जो है ये 2.5 के बाद दे देगी, माने 3.5 महीनों के बाद ही अगर व्यक्ति ने सही से कर लिया तो इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब ये पुष्ट हो जाएगी 3.5 साल बाद, तो जो मन की इच्छा होती है बड़े लेवल की, वो पूरी हो जाती है धन और करियर के मामले में। लेकिन परिवार को भी देखना है, आपको जो है हर चीज़ में बढ़ोतरी को भी देखना है, तो उपाय ऐसा करना है जो कि एक ही रूटीन में सारे उपाय होते जाएं और व्यक्ति को परेशानी ना हो। अगर परेशानी होती है, चाहे पूजा में हो, उपाय में हो, तो वो फलित नहीं होता है, तो इसलिए इस प्रकार के उपाय करने हैं। अगर हम किसी को कहें कि पूरी जो है इस पुस्तक को पढ़ लो एक ही टाइम, उसकी नहीं पढ़ पाता हो, कई लोग नहीं बैठ पाते हैं, और उसने ज़बरदस्ती पढ़ भी ली, पूजा में मन नहीं लगेगा भाई पढ़ना है ये,
तो वो पड़ा हुआ कोई फल थोड़ी देगा। तो इसलिए उपाय वो करने चाहिए जो सरल हो, जिसको हर व्यक्ति कर सके। और जो है केवल हम अंगूठी पहनने से भी कुछ नहीं होता है, कुछ फल मिलता है, मगर उसको हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तो अंगूठी फल देगी नहीं देगी। तो इसलिए जिस चीज़ को पहनो उसको एक्टिवेट भी रखो। हमारे पास जो है मोबाइल है, टीवी है, हमारे पास जो है बहुत सारे गैजेट हैं, अगर हम उनको समय समय पर अगर चार्ज नहीं करेंगे, बैटरी उसकी फुल नहीं करेंगे, तो काम थोड़ी करेगा, वो एक्टिवेट थोड़ी रहेगी। तो इसीलिए है, हमने साधन तो पहन लिया, अंगूठी तो पहन ली, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं रखा टाइम टाइम पे, तो थोड़ी करेगी कुछ काम। उसको ऊर्जा मिलेगी तभी तो वो ऊर्जा देगी, आगे प्रवाहित करेगी ऊर्जा, और नेगेटिव ऊर्जा कोई आ रही है तो उसको भगाएगी और अच्छे परिणाम देगी। तो इसीलिए जो उपाय देते हैं हम, ध्यान क्रिया, योग क्रिया और ज्योतिषीय और प्राकृतिक उपाय, उसको करने से और थोड़ा सा अपना रूटीन बदलने से व्यक्ति जो है बेहतरीन परिणाम पाता है। अब यहाँ पे जो है ये उंगली होती है हमारी तर्जनी उंगली, बृहस्पति की उंगली, ये पूरी तरह से झुक रही है, और किसकी तरफ, ये मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये जो है मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, ये जिस तरह से रेखाएं बृहस्पति पे आ रही हैं, गुरु पे, ये कह रहे हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार निश्चित तौर पे होगा, ये आपकी हथेली कह रही है। अब एक रेखा जो है यहाँ से भी जा रही है, प्रोग्रेस रेखा है, जीवन रेखा से निकल रही है, ये भी बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता के गुण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं पूरे जीवन भर, और अच्छी राइटिंग स्किल्स भी रहती है। अगर ये रेखा जैसे है और ये रेखाएं भी हैं, तो ये अगर मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति करियर और धन के मामले में बहुत ज़्यादा जो है आत्मनिर्भर बन जाता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तो जो संकेत हैं वो यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है उपाय की जरूरत जरूरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये उंगली भी, इसका तीसरा पौरवज ये वाला, ये भी जरा झुक रहा है और रिंग फिंगर की तरफ, पहला पौरवा, और जब ये झुकता है तो शनि के थोड़े नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। कई बार ये करियर के मामले में अगर आप देखो तो ज़्यादा ट्रेवलिंग करवाता है, संघर्ष करवाता है, इसका काम है, या बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, ये भी शनि दिखाता है। और कहीं ना कहीं जो साढ़ी साती होती है, ढैया होती है, उसमें और ज़्यादा संघर्ष करवाता है, ये इसका जो है एक रूप है। वहीं अगर देखें आपकी सूर्य की उंगली, आपकी रिंग फिंगर, ये झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ये अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल रखता है हमेशा, और जब व्यक्ति नेम और फेम पाने की इच्छा रखता है तो निश्चित तौर पर अच्छा कार्य करता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो है सोच रखता है, कार्य करता है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखें, पूरी तरह से झुक रही है, और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है, ठीक है। ये व्यक्ति के अंदर धन कमाने की जो ललक है उसको पैदा करती है, और आपके अंदर भी कर रही है। यहाँ पे ये चिपकी हुई दिखाई दे रही है ज़्यादातर मामले में, जो अभी तक मैंने हैंड एनालिसिस किए, सभी का नहीं कहूँगा क्योंकि सभी का जो है ऐसा परिणाम नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मैंने ये देखा है ऐसे व्यक्तियों के अंडर में रहा हो या अब रहेगा या है, लेकिन काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। अगर नौकरी कर रहा होगा तो कोई बड़ी नौकरी कर रहा होगा, जिससे जो है कार्य करने वाले नीचे बहुत सारे होंगे, या तो अपना बिजनेस कर रहा होगा, नीचे काफ़ी लोग लगाए होंगे, उनको रोटी रोजगार दे रखा होगा, इस तरह की चीज़ें रहती है। लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में ये कमजोरी को भी दिखाती है। लेकिन जब ऐसी है तो इस कमजोरी को काफ़ी हद तक ये कार्य करने वाले संभाल लेते हैं, तो
तो इसकी परेशानी जो है व्यक्ति को नहीं उठानी पड़ती है। अंगूठा आपका लचीला है, बहुत सुंदर है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक खूबसूरत चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे निश्चित ही जो है एक वर्ग का एक आँख का आकार बना हुआ है, यौ का आकार, भावुक भी है। आपका जो व्यक्तित्व तो है वो भावुक किस्म का व्यक्तित्व तो भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व तो भी है। और यहाँ पे देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पे गद्दी नुमा दिखाई दे रही है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कहें अच्छे सलीके से जीना, ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है, तहजीब पसंद व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। और यही चीज़ जो है आपके अंदर भी दिखाई दे रही है, ये बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे दिख रही है। रेखाओं के ऊपर अगर जाए तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये एकदम सुदृढ़ तरीके से जाती हुई और ऊर्ध्व जो है चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। बीच में न तो जो है यहाँ पे कोई तिल है, न ये रेखा छोटी हुई है, न कोई रेखा इसको काट रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है और आजीवन बहुत अच्छा रहेगा। जो बुद्धि विवेक है वो बहुत सुंदर है, और जीवन में जब बुद्धि विवेक अच्छा होता है ना, चाहे संघर्ष का समय चल रहा हो, चाहे कठिनाइयों का समय चल रहा हो, व्यक्ति डटकर उसका मुकाबला करता है और अपनी बुद्धि के बल पे फिर से जो है अपने अच्छे दिनों को पाता है। बहुत ज़्यादा विवेकवान व्यक्तित्व को बता रहा है और अपने विवेक से हर समय, चाहे परिवार को लेके हो, करियर को लेके हो, आर्थिक रूप से हो, कुछ ना कुछ जो है सोचने वाला व्यक्तित्व है, सकारात्मक, और जीवन काल के लिए अच्छी योजना जो है ऐसा व्यक्ति बनाता है, बना रहे हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है। आप कह सकते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर मामले में उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले भी होते हैं, ये भी निश्चित है। यहाँ पे अगर देखें आपकी जो है जीवन की रेखा इधर से निकलती हुई दिखाई दे रही है और जो है यहाँ सीधा जो है जारी है। जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा के बीच में बहुत बड़ा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, स्वतंत्र विचारधारा का, अपने मन के मालिक हैं, अपने स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं, ये व्यक्तित्व है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों के अंदर, गजब का मैनेजमेंट होता है। लेकिन एक खूबी होती है, पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना इनको मंजूर नहीं होता है। हमेशा नए आइडियाज पे चलना अच्छा लगता है, नई सोच के साथ आगे बढ़ना अच्छा लगता है, और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी निभानी है ये आप लोग जानते हैं, लेकिन मंगल का इसमें जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जीवन में कई बार गलत निर्णय ले लेता है, और उस गलत निर्णय के कारण पछताना भी ऐसे लोगों को ज़्यादातर मामले में पड़ता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान जो है रखना होगा। बाकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की तरफ जा रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत अच्छी। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे सीधी चंद्रमा पे प्रभाव डाल रहा है, चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है। तो जीवन में अगर कितना भी कुछ हो लेकिन उतार चढ़ाव रहते ही रहते हैं, कई बार अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर ऐसी जीवन की रेखा हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति संभल जाता है। अपनी ज़्यादातर इच्छाएं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरा कर लेता है, ज़्यादातर फर्ज जो जीवन काल का है उसको निभा लेता है, ये व्यक्ति की खासियत होती है। ईश्वर ऐसे लोगों का साथ निश्चित तौर पे देता है। थोड़ा मन कभी जो है इमोशनली परेशान हो जाता है, भटक जाता है, काम में नहीं लगता है, सोच ज़्यादा चिंता बनी रहती है कि क्या होगा कैसा होगा, लेकिन सब कुछ ठीक चलता है, ये भी है। थोड़ा टाइम लगता है, कठिनाइयाँ ज़्यादा होती है, पर चलता बहुत अच्छा है, और व्यक्ति का जो है सामाजिक दायरा भी अच्छा होता है। हाँ, यहाँ पे अगर मणिबंद देखें, मणिबंद थोड़ा सा रेखाएं भी और थोड़ा छोटी छोटी रेखाएं भी, थोड़ा वर्तमान में हल्का संघर्ष
और कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहेगी कुछ समय तक के लिए, जब तक शुक्र इस रूप में है, सूर्य इस रूप में है, तो इस और जो है इशारा कर रहा है। यहाँ पे इसकी बात हमने कर ली है। मंगल पे देखें तो मंगल पे एक रेखा जो है इस तरफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो है ये जीवन की रेखा से मिला है, तो कहीं ना कहीं जो है लग्जरी लाइफ की तरफ ये इशारा कर रहा है कि उसकी चाह बनी रहेगी। और कोई ना कोई, कभी कभी जो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कोई ना कोई अदृश्य डर रहता है यार, कहीं ये काम पूरा ना हुआ, उससे पहले कुछ ऐसा हो जाए, तो इस चीज़ के लिए जो है हनुमान जी की थोड़ा सा पूजा करनी चाहिए, अगर इस चीज़ की थोड़ा आशंका है तो। वैसे निम्न मंगल आपका अच्छा है, उच्च मंगल आपका अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी दिखाई दे रहा है, और मंगल जो है बहुत सुंदर भाव में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं। गुरु का तो क्या कहना, बहुत सुंदर भाव में है, लेकिन थोड़ा सा शनि की तरफ झुके हैं और हृदय रेखा को भाग्य स्थान पे थोड़ा कुछ रेखाएं काट रही हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं या चल रही होंगी, इस और ये इशारा कर रहा है, और कुछ समय तक थोड़ा चलती रहेंगी, कम से कम 1-1.5 साल तक थोड़ा समस्याएं किसी न किसी रूप से रहेंगी, लेकिन आपने जल्दी इसका उपाय कर लिया तो ये चली भी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे शारीरिक सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और आत्मज्ञान में वृद्धि होगी और मान सम्मान जो है लगातार अच्छा रहेगा। शनि थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठ गया है, और जब शनि बैठता है तो थोड़ा व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है या कई बार बेवजह की चिंताएं लगी रहती है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा कमी ये देता है, और नौकरी का मामला हो तो अड़चने देने का ये कार्य करता है कुछ समय के लिए। सूर्य की हमने बता दिया, बुध पे ऊपर की ओर अच्छी रेखाएं हैं, ये सेवा भाव की ओर दिखाई दे रही है, और बिजनेस के गुण व्यक्ति के अंदर अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में थोड़ा सा ये जो है बैठता हुआ दिख रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। खान पान में थोड़ा सा जो है फलों का, दालों का, हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। बुध आपका मजबूती की ओर आएगा। अगर बुध नीचे धंसता रहा तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति को परेशान करता है, और व्यापार कर रहा हो व्यक्ति तो थोड़ा सा जो है ये मध्यम स्थिति में ले जाता है। चंद्रमा जिस तरह से यहाँ पे है, ये बहुत सुंदर भाव में बैठा हुआ है, आने वाले समय के लिए बता रहा है कि चंद्रमा आपका साथ दे रहा है, मानसिक रूप से और भी ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए, मन को ये मजबूत रखेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा, और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, आपको जो है सकारात्मक सोच बढ़ेगी, और जो योजनाएं जीवन काल के लिए बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल रूप से धरती पर उतर कर आएगी, इस ओर जो है इशारा कर रहा है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, ये व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही है, लेकिन व्यापार नहीं दे रही है। अगर व्यापार कर रहे हो तो आने वाले समय को ये बहुत सुंदर बढ़ा रही है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है व्यापार में वृद्धि होगी। नहीं कर रहे हैं तो आप व्यापार की ओर जाएंगे और एक शानदार व्यापारी कहलाएंगे, इस ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है चंद्रमा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, कभी कभी इमोशनल परेशान हो जाते हैं, कभी कभी चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी मन भटकता है, मन काम में नहीं लगता है, इस और ये इशारा कर रही है। अगर साधारण तरीके से हथेली को देखें तो आने वाला समय जो है थोड़ी सी योग क्रियाएं, ध्यान क्रियाएं और उपाय करने के बाद बेहतरीन परिणाम देते हुए यहाँ पे ग्रह नक्षत्र और रेखाएं दिखाई दे रही है। मैं इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में नई चैनल का लिंक डाल रहा हूँ, आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा, और प्रत्येक दिन उसमें नई वीडियो पड़ेगी, उसको देखिएगा, उसका भरपूर लाभ लीजिएगा, इसी कामना के साथ कि आप लोग सहयोग करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।